हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और भाई, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि एक दिन ग्रामर और एक दिन लिटरेचर, वो बात ये है कि वो एकदम से एकदम नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो है, मतलब एक दिन ग्रामर मैंने आपको एसपी बख्शी की बुक की स्टार्ट करी थी। 30 क्वेश्चन टेंसेस के कराए थे, 30 क्वेश्चन फिर कराऊंगी दोबारा से, 60 क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके टेंसेस पे आधारित थे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि मैं एलटी की बुक के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करा है और अब मैं चैप्टर वाइज उसको भी करवाऊँगी, यानी कि सारे के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँगी। आज जो मैंने स्टार्ट करा है वो स्टार्ट करा है फिगर्स ऑफ स्पीच से, फिगर्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर वाइज चलता रहेगा, यानी कि जैसे भाई उसके बाद पहले फिगर्स ऑफ स्पीच है, फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं, तो यूनिट वन ले ली है मैंने। अब यूनिट वन कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों की यूनिट वन मतलब लिटरेचर में ए यूनिट जो है मैंने ले ली है। उसके बाद पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, ये सारा जो है मैं आप लोगों का चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगी। तो भाई लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स पार्ट वन, और यहाँ पर दोज who are interested in taking paid classes, वो हमारा ऐप को डाउनलोड करके जो है वो बैच को परचेज़ कर सकते हैं, स्टोर से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और उससे पहले अगर कोई जानकारी चाहिए तो 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा DSSB का बैच भी चल रहा है, जो DSSB का बैच, जो कि DSSB KVS PGT NVS हरियाणा स्क्रीनिंग के लिए हेल्पफुल है, वो भी चल रहा है। उसमें वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट करवाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और मतलब बाकी देखिए ब्रिटिश लिटरेचर तो सभी पढ़ते हैं, इसमें वर्ल्ड लिटरेचर भी इंक्लूड किया जाता है। तो आपको अगर कोई ये कहता है कि आप UP PGT से DSSB एंड हरियाणा और KVS PGT निकाल सकते हैं, तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है वो आपका। बेहतर यह है कि आप अपनी खुद की किताबें खरीद के पढ़ लें फिर। तो चलिए अब इसके बाद अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करा है। अब फिगर ऑफ स्पीच इज, फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है? अ मीटर, अ राइमिंग फिगर, अ राइमिंग इमेज, अ रिटोरिकल फिगर। नाउ द आंसर इज अ रिटोरिकल फिगर। अब ये रिटोरिकल फिगर होता क्या है? रिटोरिक मीन्स होता है अ परसुएसिव वे ऑफ स्पीकिंग, किसी को परसुएड करने, किसी को एक नॉर्मल वे से हटकर किसी को परसुएड करने के लिए अलंकारिक भाषा में बोलना। अलंकार मीन्स होते हैं आभूषण, यानी कि ज्वेलरी। तो अगर मतलब किस भाषा को सजावटी भाषा को यूज़ करना जस्ट टू परसुएड समवन, दैट इज़ नोन एज फिगर ऑफ स्पीच और रिटोरिक्स, जो उसे रिटोरिक कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? एन इंटेंशनल रिपीटेशन ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज? नो, नॉट एट ऑल। फिगर ऑफ स्पीच और ऑर्डिनरी लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ राइमिंग इफेक्ट? नहीं। एन अनइंटेंशनल डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफिक लैंग्वेज, एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट, ये बिल्कुल सही है कि जब हम साधारण भाषा से हटकर एक आलंकारिक भाषा का प्रयोग किसी को जो है लुभाने के लिए करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। अब मैं आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल रही हूँ, लेट मी स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट। दैट इफ़ वी स्पीक अ लैंग्वेज दैट इज़ डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल वन एंड वी स्पीक दैट लैंग्वेज टू परसुएड समवन, दैट इज़ नोन एज रिटोरिक और फिगर ऑफ स्पीच। और अगर हम हिंदी में बोलें तो एक आलंकारिक भाषा का प्रयोग किसी को लुभाने के लिए जो किया जाता है उसे कहा जाता है दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली फिगर ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इन टू, फिगर ऑफ स्पीच को किस चीज़ में क्लासीफाई करते हैं? स्कीम एंड ट्रोप्स। अब ये स्कीम एंड ट्रोप्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँ। ट्रोप के बारे में लेते हैं, स्कीम्स एंड ट्रोप्स है, दैट स्कीम लेते हैं अ चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ वर्ड्स For the sake of emphasis, scheme है a change of pattern of words, scheme and tropes कहते हैं a change in word standard order of pattern। जैसे भाई हम सीधा बोलते हैं तो जैसे were I you, तो were I you जैसे भाई आप इन्वर्जन के तौर पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है इन्वर्जन,
या माय लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, तो जब हम एक चेंज इन वर्ड और पैटर्न जो है वो यूज़ करते हैं तो उसे स्कीम कहा जाता है। अब ट्रोप्स क्या होता है? ट्रोप्स का मतलब होता है द यूज़ ऑफ अ वर्ड और फ्रेज इन अ वे नॉट इंटेंटेड इन इट्स नॉर्मल सेंस। भाई द वर्ड ऑफ ऑर्डर वर्ड को या फ्रेज को ऐसे यूज़ करते हैं जो उसके नॉर्मल सेंस से हटकर होता है, दैट इज़ नोन एज ट्रोप्स। तो फिगर ऑफ इन दोनों ट्रोप्स एंड स्कीम्स को मिलाकर बनती है फिगर ऑफ स्पीच। तो ये है स्कीम्स एंड ट्रोप्स, तो ये दैट इज़ स्कीम्स एंड ट्रोप्स। ट्रेडिशनली फिगर ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इन टू स्कीम्स एंड ट्रोप्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, रिटोरिक यानी कि बोलने की कला, तो ये जो है दैट इज रिटोरिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिट्रेशन मे बी डिफाइंड एज, एलिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि प्रॉपर इंटरवल्स पे एक सेम लेटर का रिपीटिशन, जो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है, वेदर इट इज वॉल और कॉन्सनेंट इट डजेंट मैटर एट ऑल, प्रॉपर इंटरवल पे अगर सेम लेटर रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। अ लिटरेरी जॉनरा अ रिपीटेड कॉन्सनेंट्स इन अ सेंटेंस अ रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड लिटरेरी एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इसमें एक जो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो यही है कि ये कॉन्सोनेंट को करें या इसको करें। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि एलिट्रेशन का मतलब होता है कि भाई रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, इस रेगुलर इंटरवल पे सेम लेटर का रिपीटिशन, फॉर रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड, रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड, अलोन अलोन ऑल अलोन, अब यहां पर तो ए रिपीट हो रहा है तो फिर क्यों ये एलिट्रेशन है, एसोनेंस क्यों नहीं है? तो सेम स्पीच साउंड का रिपीट होना, सेम लेटर का रिपीट होना, तो फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस दैट इज नोन एज एलिट्रेशन। तो इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर है सी। ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक्स इन एन इज एन इंस्टेंस ऑफ फियर, फिकल फ्रीक्स एफ एफ एफ, सेम साउंड सेम लेटर का रिपीटिशन, तो दैट इज एलिट्रेशन। फुल फैदम फाइव दाय फादर लाइज एफ एफ एफ, दैट्स एलिट्रेशन। व्हाट टर्म इज यूज व्हेन रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर लाइन्स, जैसे अगर मैं यहां पर यह लिखती हूं कि रन और यू विल बी हर्ट, रन अब व्हाट टर्म इज यूज्ड विद रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड, शुरुआत में सेंटेंस के शुरू में जब सेम वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एनाफोरा, उसे कहा जाता है एनाफोरा कहा जाता है। द टर्म यूज फॉर रिपीटेशन एज अ बिगनिंग ऑफ अ सक्सेसिव क्लॉज, बिगनिंग ऑफ अ सक्सेसिव क्लॉज में भी जो होता है दैट इज ऑल्सो एनाफोरा, जब सेम वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है तो उसे भी क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एनाफोरा। द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज बाय रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस इज कॉल्ड, ये सारे के सबका जवाब तीनों का एक ही है, बस लैंग्वेज बदल रखी है। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो उसमें जब कंसेक्यूटिव स्पीच में रिपीट होती है सेम वर्ड सेम फ्रेज रिपीट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज सेंटेंस के शुरू में रिपीट होती है तो उसे एनाफोरा कहा जाता है। द ऑपोजिट ऑफ एनाफोरा इज, और एनाफोरा सेंटेंस के शुरू में रिपीट होती है और जो वर्ड सेंटेंस के एंड में रिपीट होते हैं उन्हें एपिजियोइक्स कहा जाता है, तो दैट इज कहाँ गया, हाँ मतलब इसका एक और भी जो है वो है दैट इज एपिस्ट्रोफ, और ये एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे एपिजुइक्स कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको बता दूं। एपिजुइक्स का मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जब एकदम साथ के साथ वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उसे एपिजुइक्स कहते हैं, हाक हार्क, तो ये एक ही वर्ड जो है कंसेक्यूटिवली रिपीट होता है तो उसे एपिजुइक्स कहते हैं, जब वर्ड सेंटेंस के शुरू में कंसेक्यूटिवली इस तरीके से रिपीट होता है सक्सेसिव फ्रेजेस में एनाफोरा, एंड में रिपीट होता है तो दैट इज एपिस्ट्रोफ, और अगर वर्ड के एकदम बाद रिपीट होता है तो दैट इज नोन एज एपिजुइक्स। अ ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ, एक हास्यपद, ल्यूडिक्रस का मतलब होता है हास्यपद, डिस्क्रिप्शन बाई किसी एक्शन का उठना और एकदम से गिर जाना
उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एंटी क्लाइमैक्स, यानी कि किसी चीज़ का उठना, किसी क्लाइमैक्स का मतलब होता है, क्लाइमैक्स लिया गया है वर्ड लैडर से, जिसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप रीचिंग टू द जेनिथ, कि टॉप पर पहुंचना। लेकिन यहाँ ये है कि एकदम से एक्शन उठा और एकदम से गिर गया, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में स्टेप से, कि वो जो है क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर होता है और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर। The other name of anticlimax is anticlimax का दूसरा नाम है bathos, यानी कि एक हास्यपद एक्शन का उठ के और गिरना, उसे क्या कहा जाता है, anticlimax, और anticlimax का ही दूसरा नाम है bathos। The soldier fights for glory and a shilling a day. Here the figure is the soldier fight for glory, लीजिए एक्शन उठा और गिर गया and a shilling, एकदम से गिर गया, तो एक्शन उठा और उठ के गिर गया, तो दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्राउन, ऑल्दो हर आईज आर सनी, हर स्माइल्स आर लाइटनिंग, दो हर प्राइड डिस्पेयर, दीज लाइन्स शो। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, फेयर का ऑपोजिट है क्रूअल, एंड हर ब्रो शेड फ्राउन ऑल दो हर आईज, ब्रो जो है वो उसकी शेड और जो उसकी आँखें हैं वो सनी, तो ऑपोजिट स्पीचेस को एक साथ जो है वो रखा गया है, जक्स्टापोज किया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, जब अपोजिट स्पीच को एक साथ रखा जाता है, दैट इज नोन एज एंटीथीसिस। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेस, इसमें है मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेस, तो वही ऑपोजिट है मैन का गॉड, प्रपोज का डिस्पोज, तो दैट इज एंटीथीसिस। अ मैन्स नेचर रन्स ईदर टू हर्ब्स और वीड्स, देयरफॉर लेट हिम सीजनेबली वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय। अ मैन्स नेचर रन्स ईदर टू हर्ब्स और वीड्स, कंपैरिजन भाई दो ऑपोजिट चीजों के, देयरफॉर लेट हिम सीजनेबली वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय, वाटर और डिस्ट्रॉय दो ऑपोजिट चीजों को बताया गया है, तो ये भी एग्जाम्पल है एंटीथीसिस का। हर्ब्स एंड वीड्स ऑपोजिट चीजें, डिस्ट्रॉय एंड सीजनेबली वाटर दो ऑपोजिट स्पीचेस को एक साथ रखा गया है, दैट्स वाई ये एग्जाम्पल है एंटीथीसिस का। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, साधारण सामने दिख रहा है मैन एवरी का उल्टा है फ्यू, ईयर का उल्टा है वॉइस, तो ये भी एग्जाम्पल है हमारा एंटीथीसिस का। टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये भी हमारा एंटीथीसिस का, अर का उल्टा है फॉरगिव, ह्यूमन का उल्टा है डिवाइन, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल इज एंटीथीसिस। कई बार हमें जो है ये भी चीज़ लगती है कि ये कहावत भी है तो ये एपिग्राम भी हो सकता है, जो ओवर पावरिंग फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे ही माना जाता है। इवन दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एनी स्टेल्थ, स्लीप बाय एनी स्टेल्थ, इवन दस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप, कि स्लीप को एड्रेस किया जा रहा है, केवल माँ को एक्सक्लेमेशन देखकर ये मत सोचिएगा कि वो एपोस्ट्रॉफी होती है, वो एक्सक्लेमेशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर स्लीप को संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है एपोस्ट्रॉफी का। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये भी इनको संबोधित किया जा रहा है, तो ये आंसर है इसका सी, दैट्स एपोस्ट्रॉफी। देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री, ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैज दाउ सीन, द फिगर ऑफ स्पीच इज, देखिए यहाँ पर है देयर रोल्स द सी ओ अर्थ, अर्थ को अर्थ को संबोधित कर रहे हैं, हर एपोस्ट्रॉफी में पर्सोनिफिकेशन होता है क्योंकि संबोधित करते हैं, तो दैट इज एपोस्ट्रॉफी। हेल स्माइलिंग मॉन, द फिगर ऑफ स्पीच इज, स्माइलिंग बाई हेल, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर स्माइलिंग मॉन, मॉर्निंग को संबोधित कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने ये कहा कि हर अपोस्ट्रॉफी पर्सोनिफिकेशन तो होती है, ओवरपावरिंग फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है, तो हेल स्माइलिंग मॉन, तो यहाँ पर मॉर्निंग को संबोधित कर रहे हैं, तो अपोस्ट्रॉफी। एक्सल्ट ओ श्योर एंड रिंग ओ बेल्स, यहाँ पर भी जो है वो समुद्र के किनारे को संबोधित किया जा रहा है, तो ये है आपका अपोस्ट्रॉफी। डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब आप यहाँ देखिए जब वॉल साउंड्स रिपीट होते हैं
स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में वॉल साउंड्स रिपीट होते हैं, सेम वॉल जो है वो रिपीट होते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में, तो उसे एसोनेंस कहा जाता है. डी अ नी अ फी अ, तो ई अ ई अ ई अ ई अ जो है वो आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये ई अ ई अ ई अ ई अ ये तो रिपीट हो रहा है आपका, तो यहाँ पर ये है, इसमें है एसोनेंस, दैट इज असोनेंस. द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉल्स इन द स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स इज, जब स्ट्रेस सिलेबल्स में सक्सेसिव वर्ड्स में स्ट्रेस सिलेबल्स में सेम वॉल्स रिपीट होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एसोनेंस. तो आंसर इज एसोनेंस. In which figure vowel sounds are repeated? In which figure of speech vowel sounds are repeated? Vowel sounds repeat होते हैं stressed syllable में, assonance में. तो answer is assonance. The other name of anticlimax is, anticlimax का दूसरा नाम, अभी वैसे question repeat हो गया है, that's bathos. Bathos है anticlimax का दूसरा नाम. A sudden and ridiculous descent from the exalted. Yes, the question repeat हो गए हैं. ये भाई एक मूर्खतापूर्ण जो है एक ludicrous एक्शन का उठकर गिरना, दैट इज बेथोस और एंटी क्लाइमैक्स. इट्स अ ग्रामेटिकल टर्म विच रेफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर. इट इज, देखिए जैसे यहाँ फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये इस तरीके से होता है. तो इसे क्या कहा जाता है कि जब वर्ड ऑर्डर जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज कियास्मस. इसे कियास्मस जो है वो कहा जाता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज 30 क्वेश्चंस इसके करवाए हैं और आप लोग जो हैं ये इसी तरीके से जो है चल रहा है. और बाकी आई होप कि आपको ये सब आपकी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, फॉर्म जब भी आएगा, एग्ज़ाम जब भी होगा, बट दिस सीरीज़ इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो आप बेनिफिट इससे प्राप्त करिए. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं कल. बाय बाय.